बजट से पहले के बाजार के एक्शन पर वरुण दुबे हमारे साथ इस वक्त तैयार। और वरुण, कितने सालों के बजट का विश्लेषण किया है? अनिल जी, हमने 5 साल का किया है। 5 साल का? 5 साल का क्यों किया, उसका भी कारण है। हाँ, पिछले 5 साल के बजट का, बजट के पहले के बाजार का पूरा विश्लेषण लेकर आए वरुण। तो वरुण, सबसे पहले तो बताए 5 साल क्यों किया? हाँ। क्या आप काम कम करना चाहते थे? 10 साल भी कर सकते थे? नहीं अनिल जी, ट्रेंड सही लाना चाहते थे, क्योंकि इसके पहले है ना बजट वो फेब के एंड में, मार्च में आता था। करेक्ट। और पिछले 5 साल में ये हुआ है कि फेब फर्स्ट को आने, पहली फरवरी को। बिल्कुल सही जवाब। तो पहली फरवरी को जब से बजट आने लगा है, तो जनवरी के महीने में कैसा रहता है बाजार, ये है बेहतरीन रिसर्च। तो अनिल जी, इसमें दो चीज बताऊंगा। एक तो सबसे पहली बात आप पकड़ के चलिए कि बजट के पहले मार्केट में रैली होती ही है, ये गिवन है। पिछले 5 साल का डेटा जो है वो यही बता रहा है। दूसरी बात ये बताऊंगा कि जो रैली होती है वो बड़ी रैली होती है। आप ये मत सोचिए कि आधा 1% के आसपास की रैली होती है। बड़े बड़े मूव जो है वो मार्केट में देखने मिलते हैं। और 3 चीजों पे आपको फोकस करना है, निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही साथ एक सेक्टर है और वो है आईटी सेक्टर। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। पिछले 5 साल का जो डेटा हमने खंगाला है उसके मुताबिक सिर्फ 1 साल निफ्टी और सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए, यानी कि गिरावट हुई है। और बाकी 4 साल अगर आप देखेंगे तो दरअसल निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। औसतम तेजी अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो पिछले 5 साल की करीब करीब 1.9% की है और सेंसेक्स में करीब 2.1% की है। और इसमें एक ही साल था, साल 2020, जब मार्केट गिरा था तब निफ्टी में करीब 4.2% की गिरावट हुई थी, सेंसेक्स में 3.7% की। अब ये वो साल था जब कोविड जो है जस्ट शुरू हुआ था, केसेस आना शुरू हुए थे चाइना में। इसके अलावा ये वो साल था जब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लगातार बयान आते रहते थे चाइना को लेके, और ट्रेड वॉर की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। और ये ग्लोबल फैक्टर था जिसकी वजह से निफ्टी में गिरावट देखने मिली थी। इसको अगर आप छोड़ देंगे तो 2017 देखिए 6.5%, 2018 4.5%, 2021 2.1% के आसपास की रैली जो है वो मार्केट में देखने मिली है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का, किस तरह का प्रदर्शन देखने मिला है। तो बैंक निफ्टी में 5 में से सिर्फ 2 साल गिरावट हुई है, 2020 जो कि जैसे कि मैंने कहा मार्केट में भी हुई थी, और 2019 में बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेडिंग देखने मिली है। औसतम अगर आप देखेंगे रिटर्न्स तो बैंक निफ्टी का 3% का निकल के आता है। लेकिन ये नेगेटिव फैक्टर्स को अगर निकाल देना तो आपको समझ में आएगा कि औसतम कितना बड़ा रिटर्न है। निफ्टी सेंसेक्स में 3.5%, बैंक निफ्टी में 5.5% के आसपास की। 2020 हटा दो, हटा दो, हाँ हटाओ, हाँ 2020 को अगर हटाओ वापस थोड़ी आएगा 2020। फरवरी मार्च में तो पिछले साल के अब तो 2 साल हो गए, 22 में आ गए, तो 2020 वो तो एक्सेप्शनल था, जो डर था, जो लॉकडाउन, ये वो तो कभी वापस नहीं होगा, कभी नहीं होगा, राइट, कम से कम मान सकते हैं। सो वो एक्सेप्शनल हटाओ, उसको अगर हम हटा दे तो निफ्टी सेंसेक्स में 3.5% एवरेज रिटर्न 3.5% है। इसके मैं कह रहा हूँ कि बड़े मूव्स आते हैं निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 5.5%। आईटी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर कोई रहता है ना, तो वो आईटी ही रहता है पूरे बजट के पहले। और रिटर्न्स देखिए, गजब के रिटर्न्स है। 2017 से 2021 के बीच में सिर्फ एक बार गिरावट आई आईटी में, वो भी 2017 में थी, 6% के आसपास की। इसके बावजूद जो औसतम रिटर्न है वो 4% का आईटी का। अगर मैं 2017 को हटा दूं तो औसतम रिटर्न 7% का आईटी, 7% सिर्फ जनवरी के महीने में। उसका रीजन भी है क्योंकि एक तो है ना, इस क्वार्टर में, जनवरी वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट आता है ना, आईटी का सबसे बम्पर आता है। दूसरा, जनरली सारे बायबैक्स जितने होते हैं ना वो इसी टाइम पे होते हैं, इसी टाइम पे होते हैं, है ना, सही बात है। और तीसरा ये कि आईटी कंपनियों के लिए नए एलोकेशन ग्लोबली आते हैं नए साल के में, हर कंपनी का आईटी बजट बनता है, राइट राइट, वो आता है। तो इस चक्कर में आईटी के लिए तो मतलब जनवरी का महीना मतलब बेस्ट है, बेस्ट, जिसको जो पसंद आए लीजिए भाई। आईटी शेयरों का तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, और इस साल का हमने सेक्टर रखा भी है कि मिड कैप आईटी स्टॉक जो थे जो लगाते थे। हाँ,